पीछे से एक स्क्वाड आ गया, मैं तो थोड़ा सा हट गया था तो मैं बच गया, पर तीन नंबर वहीं पे डटा हुआ था तो तीन नंबर का पेटी बन गया और मेरा भी पेटी बन सकता था। देखो अभी मेरे ऊपर स्प्रे चल रहा था पर इस। तो वेलकम बैक टू पबजी, और आज हम एक मैच खेलने जा रहे हैं और ये मैच स्क्वाड का होगा। और अभी मैं उतरा था मिलिट्री स्क्वाड में, मेरा उतरने का मन तो नहीं था पर दूसरे को फॉलो किया है तो अभी वो लोग मुझको मिल रहे स्क्वाड में उतरा। अब जो होता है उतरने के बाद तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है तो वेपन मिलना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत जल्दी वेपन मिलना जाता है। तो मैं किसे कैसे भी करके एक M16A4 मिला था मेरे को, वो M16A4 लेके एक को धर दिया मैंने पहले, नॉकआउट किया बंदे को, शायद नूब बंदा था। और एक नहीं दो दो M16A4 मेरे को मिला। तो अभी मेरे को एक असॉल्ट राइफल चाहिए था जो कि मुझे इस क्रेट से मिल गया था, जो है स्कारल। उसके बाद अभी मेरे को यहाँ पे दूसरे कुछ बंदे शायद दिखे थे यहाँ पे मिलिट्री बेस के अंदर ही। हम थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे थे और इधर एक बंदा खड़ा हुआ तो इसको भी मैंने पेल दिया, और इसको पेलने के बाद इसको भी पेटी बनाना है। ओके सो यहाँ पे अभी ये लोग ड्रॉप लूट रहे हैं, फ्लेयर गन का ड्रॉप है ये, तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये साले भिखारी लोग सब को लूट के चला गया, अभी मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो अभी यहाँ पे एक बंदा घूम रहा था और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना इसको ना ही कुछ, तो जो था मेरे से उसे वैसे ही मरना पड़ा बंदे को। पर मारो कैसे, ये भिखारी लोग फिर से आ गया और मेरा किल ये तीन नंबर ने चुरा लिया बंदे। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ड्रॉप मंगाने के वजह से मधुमक्खियों की तरह बहुत सारे बंदे आ रहे हैं और एक एक करके हम नॉक करेंगे बंदे को। तो इधर एक बंदा आ गया था, वो भी एक नूब था शायद, तो मैंने उसको नॉक किया। यहाँ पे दो नंबर नॉक हो गया था तब, तो उधर से एक बंदा मार रहा था। तो मेरा प्रॉब्लम यही हो रहा था कि मेरे पास कोई स्कोप नहीं था और बंदे को मैं ठीक से मतलब एम नहीं कर पा रहा था बंदे के ऊपर। तो मैंने क्या किया कि पीछे से जाना पड़ेगा, अगर हम सामने से फ्रंट में डायरेक्ट जाए तो बंदा मेरे को आसानी से मार देगा, तो थोड़ा सा गार्ड में जाना था। और पीछे से कोई बंदा धारना शुरू कर दिया तब तक मुझे, तो मैं घूम के गया पर वो बंदा मेरे को नहीं मिल रहा था। कहाँ है बंदा अभी, शायद कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ ही था। और क्या हुआ, वो बंदा पीछे से मेरे को मारना शुरू कर दिया। अभी देखो पीछे से बंदा मेरे को मारना शुरू कर दिया, पर मैं डायरेक्ट घूम के नहीं गया, मैं थोड़ा सा इधर से घूम के गया और बंदे को फिर से पेल दिया। पेलने के बाद इसको मैं तो पेटी पेटी बनाऊंगा ही, उसके बाद मैं थोड़ा सा हील हो लेता हूँ। और इधर एक और बंदा है पर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इल्यूशन हो गया था, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था कि बंदा कहाँ से मार रहा है मुझे। तो यहाँ पे झाड़ियों में वो बंदा घुसा हुआ था, तो देखने के बाद उसको एकदम स्प्रे किया और फिर से इसका भी पेटी बन गया। अब होता है असली प्रॉब्लम कि चार नंबर को उधर से कोई पेल देता है उसका पेटी बन जाता है ऑलरेडी। तो अभी चार नंबर तो टीम से आउट हो गया, अभी मेरे को देखना था कि कहाँ से वो बंदा चार नंबर को पेला। इधर एक बंदा आ गया था सो मैं इस बंदे को पहले नॉकआउट किया, ये भी एक शायद कोई नूब था। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि बंदे का जो पोजीशन है वो अभी तक नहीं पता चल रहा था मुझे। पर कोई मार्किंग किया यहाँ पे और देखा कि वो बंदा शायद, मेरे को ऐसा लगा कि छत के ऊपर है, तो मैं
सामने से फ्रंट में से नहीं जा सकता था, बंदे आसानी से हम तीनों को मार देते एक साथ। तो थोड़ा सा घूम के जाना पड़ा और उन लोगों को भी बुला लिया मेरे पीछे पीछे, और यहाँ पे थोड़ा सा लूट कर लिया मैंने, अगर किसी किसी तरह कम पड़ जाए हम, इसीलिए थोड़ा सा लूट कर लिया। और आ भी जाऊँगा मैं बंदे को पेलने, और मैं मुझे पता था कि वो बंदा छत में है क्योंकि वो छत में आसानी से छुप सकता है, और मैं डायरेक्ट नहीं गया, थोड़ा सा पहले अभी वहाँ पे देख लिया कि बंदा कहाँ पे है, बंदे का पोजीशन कैसा है, और उसके बाद जाके एकदम पूरा स्प्रे कर दिया उसके ऊपर और उसका पीटी बना दिया मैंने। अभी मेरे को एक आइडिया है कि 4 नंबर जब पेटी बानी गया तो उसका जो सामान था वो मैं लूट लूँ, क्योंकि गिली सूट था तो वो मुझे चाहिए था, तो गिली सूट ले लिया मैंने, जो जो है सामान स्कोप वोप जो मिला वो सब मिल गया मेरे को। और इसी में इसी के अंदर क्या होता है कि नंबर 3 को कोई नॉक कर देता है, अभी मेरे को नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से नॉक किया, तो सोचा जब छत पे नॉक हुआ तो शायद बंदा छत पे ही होगा, तो अभी मैं थोड़ा सा देख लिया कि बंदे का पोजीशन कहाँ पे है, और बंदा लेट गया तो मैं जाके उसको फिर से पेल दिया और बंदे का बन गया पेटी। Excellent work. अभी हम निकलने वाले थे मिलिट्री बेस से, और यहाँ पे एक बंदा घूम रहा था नूब, और मैं सीधा डायरेक्ट उसको नॉक किया और बंदे को मैंने पेटी बना दिया। ओके, तो हम ये अभी व्हीकल से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे, किसी एक दूसरे जगह पे जा रहे थे, पर आगे बीच में आगे आ गया ड्रॉप। अभी मेरे को मन नहीं था ड्रॉप लेने के लिए, पर ये लोग शायद ड्रॉप लेने का मतलब मन था तो ड्रॉप लेना चाहता था, और बीच में आ गया ये बंदा। ये इसको भी मैं मास्टर था, पर ये बार बार पता नहीं नंबर 3 मेरा कुल किल चुरा लिया था, और ये भी किल नंबर 3 का हो गया, और मेरे को मालूम था कि ड्रॉप में कोई ना कोई तो होगा, तो मेरा मन नहीं था जाने का, और दो दो देखो व्हीकल भी सामने खड़ा हुआ था, फिर भी ये लोग ड्रॉप में उतर गया और ड्रॉप लूटना शुरू कर दिया, और मेरे को पता था कोई ना कोई तो स्प्रे करेगा अपने ऊपर, तो देखते नहीं देखते देखो अभी स्प्रे करना स्टार्ट हो गया। अभी मेरे को पता था कि ये जो बंदा ये व्हीकल को तो ब्लास्ट करेगा ही करेगा, तो थोड़ा सा दूर हट के मैंने हील लेना शुरू कर दिया क्योंकि बाद Let's में टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि ये भी एक ड्रॉप है तो मधुमक्खियों की तरह कोई ना कोई तो स्क्वाड आ ही जाएगा ड्रॉप में, तो हील कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इस बंदे के पास AWM है देखो, 2 नंबर 2 के पास, तो ये बंदा AWM का मतलब ठीक से यूज़ ही नहीं कर रहा है, बंदा आसानी से मार सकते हैं यहाँ से पर ठीक से यूज़ ही नहीं कर रहा है, बंदा अकेला है। तो मैंने क्या किया, M416 से ही उसको पेलना शुरू कर दिया, और यहाँ पे देखो जाके बंदे को मैंने पूरा एकदम पिटी बना दिया। अब चलो बंदे का पिटी बना दिए तो, और इसके पास जो जो सामान है वो सब मैंने ले लिया, और थैंक गॉड कि मुझे एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर मिल गया कार 98। एंड अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे जब मैं वापस जा रहा था, क्योंकि ड्रॉप के पास ज़्यादा देर तक रहना भी सेफ़ नहीं है, Follow जो कि me. 3 नंबर बहुत ही गलती कर रहा था तब, तो मैं जब जा रहा था वापस 2 नंबर के पास, तो Follow प्रॉब्लम me. हुआ कि पीछे से देखो अभी जो स्क्वाड आएगा वो 3 नंबर को देखो क्या हालत करता है, पीछे से एक स्क्वाड आ गया, मैं तो थोड़ा सा हट गया था तो मैं बच गया, पर 3 नंबर वहीं पे डटा हुआ था तो 3 नंबर का पेटी बन गया, और मेरा भी पेटी बन सकता था देखो, अभी मेरे ऊपर स्प्रे चल रहा था, पर थैंक गॉड कि मैं क्राउच हो गया और उसको मैं नॉक कर दिया, उसके एक टीम मेंबर को नॉक कर दिया मैंने, पर अभी उसका 3 टीम मेंबर पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हील कर लेना पहले अच्छा होगा, तो वो लोग वहाँ पे स्मोक कर दिया था। क्या क्या अगर मैं ऐसे ही सीधा जाऊंगा तो वो तीनों बंदे मेरे को आसानी से मार देगा, तो मैंने क्या क्या एक बैकअप प्लान के लिए, क्योंकि नंबर 2 के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते, एक नेट कर दिया पहले, वो मेरा बैकअप होगा, और देखो सामने से 2 बंदे एक साथ मेरे ऊपर हमला करने आया, तो नेट की वजह से दोनों बंदे ही मारा गया और एक बंदा अंदर ऐसे ही मारा गया, तो ऐसे मेरा एक स्क्वाड वाइप हो गया। अभी यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कि यहाँ से कौन बंदा पेल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डैमेज यहाँ से कोई एक बंदा मेरे को दिया था, पर ढूंढ नहीं Follow पाया to बंदे safe को, zone. और सेफ जोन में भी जाना था इसीलिए।
अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब इतना स्क्वाड वाइप किए हैं तो थोड़ा सा लूट भी लेते हैं यहाँ से। तो अच्छा लूट मिल गया था मेरे को यहाँ पे AWM मिल गया। और ये अभी हम लास्ट सर्किल में है, और लास्ट सर्किल में आके थोड़ा सा गलती हो गया, मतलब मुझसे नहीं मेरे टीममेट से, कि वो व्हीकल लेके भागना चाहे वो भी जोन के अंदर, पर टीममेट की वजह से वो टीममेट को भी देखो अभी पेटी बना दिया, पेटी अभी तक नहीं बना पर नॉकआउट तो कर दिया। और वैसे वो जो बाकी बंदे वो मेरे भी लोकेशन पता चल गया, अभी टीममेट को रिवाइव करना पड़ेगा। पर यहीं पर मेरा गलती हो गया कि रिवाइव करना सही नहीं था, मैं अगर इसको छोड़ देता तो भी अच्छा होता। अभी जो कि राज सर्कल है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बंदे अभी सब सांप बने हुए हैं, अभी कौन बंदा कहाँ पे है पता नहीं, किसी का तो पोजीशन पता नहीं चल रहा है, और ये मेरा पोजीशन रिवील कर दिया है मेरा टीममेट, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मेरा। और ये गेम प्ले तब तक बहुत ही हाथ से निकल चुका था, क्योंकि सामने से एक बंदा मेरे को ऑलरेडी पेल दिया था, और ये चाहता तो 2 नंबर मेरे को आराम से रिवाइव कर सकता था, पर ये 2 नंबर पहले जोन में घुसा, उसके बाद हाथ में बहुत ही ज़्यादा टाइम था मेरे को रिवाइव करने का, पर ये खेल बहुत ही बुरा खेल गया, और 2 नंबर के वजह से ये गेम पूरा बर्बाद हो गया लास्ट सर्कल में जाके। सो देखो ये गेम जीत तो नहीं पाए हम, पर अगर अच्छा लगे ये गेम प्ले मेरा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरा चैनल, और अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं और भी ऐसे गेम प्लेस का वीडियो पबजी का कमेंट के साथ बनाऊंगा। मैं तब तक के लिए भाई।